हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की हिंदी की कार्य पत्रिका। ये केजी के बच्चों के लिए है। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम, यहाँ अपने शिक्षक व शिक्षिका का नाम लिखेंगे। दिनांक 10 तारीख की वर्कशीट है और 129 नंबर की। क्या आप जानते हैं 10 दिसंबर 2020 ह्यूमन राइट्स डे? 10 दिसंबर का दिन प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह सभी मनुष्यों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। मानवाधिकार वे मौलिक अधिकार हैं जो सभी मनुष्यों को शिक्षा, स्वतंत्रता एवं समानता प्रदान करते हैं। इन अधिकारों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचार प्रणाली किसी देश या समाज विशेष में जन्म, संपत्ति या किसी प्रकार की अन्य मर्यादा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो बच्चों, 10 दिसंबर को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, जिसे ह्यूमन राइट्स डे भी कहते हैं। ये वो अधिकार है जिन्हें, मतलब क्यों हम 10 दिसंबर को ये मनाते हैं, ताकि हम लोगों में ये जागरूकता, ये अवेयरनेस फैला सकें और उन्हें बता सकें कि उनके क्या अधिकार हैं। और चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड हो, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, स्वतंत्रता से रिलेटेड हो या समानता प्राप्त करने से। और ये यह हमें बताता है कि किसी भी प्रकार के जो अधिकार हैं, चाहे वो कैसे भी, वो जाति के बेस पे हो या वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, इन बेसिस पे हम कोई भी किसी भी मनुष्य में भेदभाव नहीं कर सकते। सब एक समान हैं, सबके अपने अपने राइट्स हैं। तो हम किसी में भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे वो धर्म के बेस पे हो, लिंग के बेस पे हो, राजनीति या कोई भी विचार प्रणाली। ठीक है, तो किसी में भेदभाव नहीं किया जा सकता। हमें यह दिन ये बार बार याद दिलाता है। तो अब याद रखेंगे, 10 दिसंबर को हम मनाते हैं ह्यूमन राइट्स डे, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। आज हम आपके लिए कुछ चित्र लेकर आए हैं। आओ इन्हें पहचान कर, इनका नाम बोलकर देखें। सड़क, सांप, सीटी, सीताफल, सूरजमुखी, साड़ी। सड़क, सांप, सीटी, सीताफल, सूरजमुखी, साड़ी। अच्छा बताओ, इन शब्दों को बोलते समय सबसे पहले कौन सी आवाज आई? सही पहचाना, कौन सी आवाज आई? स। सड़क, स सांप, स सीटी, स सीताफल, स सूरजमुखी, स साड़ी। आओ देखें स अक्षर कैसे लिखते हैं। अब हम सीखेंगे स अक्षर। तो स अक्षर आपने जैसे र बनाते हैं, पहले र बनाना है। र के बाद बीच में से एक सीधी डंडी, फिर ऊपर से एक सीधी डंडी और फिर यहाँ से र, फिर जैसे अ में लगाते हैं वैसे, फिर वन, फिर ऐसे। ठीक है, ये आपका स होगा। आओ एक गीत गाएं। सुबह सुबह जब 7 बजे सब बच्चे स्कूल चले, सड़क से आती उनकी बस, सरपट चढ़ते उसमें सब। सुबह सुबह जब 7 बजे सब बच्चे स्कूल चले, सड़क से आती उनकी बस, सरपट चढ़ते उसमें सब। तो बच्चों देखो, स सुबह सुबह, सात सब, सड़क, सरपट, बस, सब, उसमें, इन सब में कौन सा अक्षर आ रहा है? स। अब हम मिलकर नीचे दिए गए शब्दों में से श अक्षर को ढूंढकर गोला लगाएंगे। तो जहां जहां स है हम उसमें गोला लगाएंगे। स सपेरा, तो ये रहा स। स सवेरा, ये रहा स। स सलोनी, स। स सपना, स। बरस, स।
नस स कसरत स घोंसला स। चलो अब फुलवारे की कार्यपत्र का संख्या 66 करते हैं। अब आपने फुलवारे की कार्यपत्र पत्रिका 66 करनी है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करना है। अब मम्मी पापा के लिए नोट है, बच्चों से बात कीजिए कि जीवन में हमेशा खुश रहें, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखें, साथ ही किसी की मुस्कुराहट की वजह बने, और कोविड से बचने के लिए साबुन व पानी से हाथ धोते रहिए।